कोरोना महामारी से अब तक दुनिया पूरी तरह उबरी भी नहीं कि एक नए वायरस ने डरा दिया है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये वायरस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चलिए आपको इस वायरस के बारे में सब कुछ बताते हैं। मंकी पॉक्स कितना कॉमन है? मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है, जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। ये सेंट्रल और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इस वायरस के दो मेन स्ट्रेन हैं, वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के लक्षणों की। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार होने पर त्वचा पर रैश हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में ये फैल जाता है। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवों पर ज्यादा होता है। रैश पर बहुत खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसमें कई बदलाव होते हैं और आखिर में इसकी पपड़ी बन जाती है, जो बाद में गिर जाती है, जिसके बाद घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। ये संक्रमण आम तौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों तक रहता है। संक्रमण कहाँ से हो सकता है? किसी संक्रमित शख्स के नजदीकी संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट से या आंख, नाक या मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। सेक्स के दौरान भी ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है। इसके अलावा ये संक्रमित जानवरों जैसे बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी फैल सकता है। साथ ही अगर बिस्तर या कपड़ों पर वायरस है तो उसके संपर्क में आने से भी ये फैल सकता है। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है? अब तक इस वायरस के ज्यादातर माइल्ड यानी हल्के मामले ही देखने को मिले हैं, यानी मरीज की हालत इतनी खराब नहीं होती। कई बार ये चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसा होता है और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। पश्चिमी अफ्रीका में इससे मौत होने के मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस वायरस से जुड़ी एक और बात कही जा रही है कि इससे गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों को ज्यादा खतरा है। क्या सच में ऐसा है? वैसे देखा जाए तो कोई भी शख्स जो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो, उसके संपर्क में आने से किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। हालांकि ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन और यूरोप में हाल फिलहाल में कई गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों को इस वायरस से संक्रमित पाया गया, इसलिए एजेंसी ने उन्हें खास तौर पर लक्षणों को लेकर सतर्क रहने और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहा है। अब सबसे अहम सवाल कि इसके बड़े स्तर पर फैलने की कितनी आशंका है? इसका जवाब जानने के लिए इस वायरस की हिस्ट्री समझना जरूरी है। दरअसल साल 1958 में सबसे पहले ये वायरस एक बंदर में मिला था, इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। 1970 के बाद से 10 अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए हैं। 2003 में अमेरिका में इस वायरस के मामले सामने आए थे और ये पहली बार था कि अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले देखे गए। वहाँ इंसानों में ये वायरस बाहर से लाए गए जानवरों से आया था। अमेरिका में उस वक्त कुल 81 मामले दर्ज किए गए थे और कोई मौत नहीं हुई थी। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था। यहाँ 172 मामले सामने आए थे और 75% पीड़ित 21 से 40 साल की उम्र के बीच के पुरुष थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है, जो आसानी से नहीं फैलता और आम तौर पर गंभीर रूप से बीमार नहीं करता। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी में इसके फैलने की आशंका कम है। और आखिर में बात कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन ही मंकी पॉक्स से भी 85% तक बचाव कर सकती है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों से भी मदद मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के हाल में सामने आए मामले असामान्य हैं और ऐसे देशों में फैले हैं जहां पहले कभी नहीं हुए।